हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च एरिया वेब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट इज़ डीबीएमएस एंड व्हाट इज़ डेटाबेस। डीबीएमएस क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। जैसे आप जानते हो डीबीएमएस को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट प्लस सिस्टम। लाइक डेटाबेस को मैनेज करना किसी सिस्टम के थ्रू, सिस्टम बोल सकते हैं हम कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस को मैनेज करना, ये कहलाता है डीबीएमएस। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ पर हम सारे डेटा को जो रिलेटेडली लॉजिकली रिलेटेड हैं आपस में ना सिस्टमेटिक मैनर में हैं, उनको उस डेटा को हम इकट्ठा करना स्टोर करना कहीं पर, वो डेटाबेस कहलाता है। जैसे कि मिलिट्री बेस हो गया, मिलिट्री वाले अपना एक पूरे सा एक स्टोर बनाते हैं, मतलब जो एक बेस बनाते हैं जहाँ पर वो सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। ऐसी एक डेटाबेस होता है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं, वो कहलाता है डेटाबेस। इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ डेटा इज शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन सिस्टमेटिक मैनर, मीन्स जो डेटा है वो आपस में लॉजिकली रिलेटेड हो और सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर किया गया हो। मीन्स एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, स्टूडेंट की क्लास, ये कहलाती है स्टूडेंट डेटा, क्योंकि ये आपस में लॉजिकली रिलेटेड है तो ये डेटाबेस बन गया स्टूडेंट का। नाइस। तो इसी तरह से जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड है इन सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर्ड है वो कहलाता है डेटाबेस। है ना, एक तरह से और आप समझ सकते हो, जैसे कि मैं एक डेफिनेशन में ये और बता रहा हूँ, डेटाबेस एक्चुअली वे प्लेस है, डेटाबेस एक्चुअली वे जगह होती है जहाँ जो रिलेटेड पीस ऑफ मतलब रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वेरियस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, वो डेटाबेस कहलाती है। डेटा कैन बी मेंटेन, डेटा कैन बी मेंटेन थ्रू मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन किया जाता है। जैसे डेटाबेस मैनुअली भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जाता है। मैनुअली कैसे? पेपर के थ्रू, फाइल्स के थ्रू, डायरीज में ये मैनुअली डेटा को स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स में करते हैं, डिजिटल डायरीज में करते हैं, अपने मोबाइल फोन्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं। कंप्यूटर्स में हम कैसे स्टोर करते हैं? डीबीएमएस के थ्रू करते हैं ना, फिलहाल फाइल सिस्टम होता है उसके थ्रू करते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑफिस ऑटोमेशन कुछ पैकेजेस आते हैं उसके थ्रू डेटा को हम स्टोर करते हैं। हम लोग यहाँ पर डीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस को डीबीएमएस में स्टोर करते हैं। डीबीएमएस को हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस किसे कहते हैं, डेटाबेस को मैनेज करना किसी सिस्टम के थ्रू, सिस्टम मीन्स किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पर वो ये डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मीन्स एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट इनेबल्स, जो इनेबल्स करता है यूज़र को कि वो स्टोर कर पाए, मॉडिफाई कर पाए और एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कर पाए, है ना, फ्रॉम डेटाबेस की एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। डेटाबेस एक्चुअली एक टूल है ना, ये भी मैंने यहाँ लिखा है। डीबीएमएस जो है वो एक्चुअली क्या है? डीबीएमएस एक्चुअली अ टूल दैट इज यूज परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ना। सम डीबीएमएस, कुछ डीबीएमएस के एग्जांपल भी हैं, MySQL, Oracle, MS Access, है ना, ये सारे डीबीएमएस के एग्जांपल है। गाइज, ये सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था डेटाबेस और डीबीएमएस का। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। researcheriawebs.com है मेरे इस YouTube चैनल्स का नाम, और आप मेरी वेबसाइट में भी जा सकते हो researcheriawebs.com, उसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। हैव अ गुड डे।